हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल किचन। मैं प्रीति हूँ और सोलफुल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कैप्सिकम की सब्जी। कैप्सिकम की भाजी बनाने के लिए जो शिमला मिर्च होती है वो हमने 1.25 किलो शिमला मिर्ची ली है और इसे हम मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। और ये एक रेगुलर सब्जी है जो मोस्टली घरों में बनाई जाती है। हम लोग प्रिफर करते हैं कि डेली बनाने वाली सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए, तो मैंने लोहे की कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 1 चुटकी हींग और 1/2 चम्मच हल्दी डाल करके ये मीडियम साइज़ में कटी हुई शिमला मिर्ची इसमें डाल दी है। हम लोग ये सब्जी जनरली बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। और हमारे यहाँ इसे हम बेसन और आटा डाल करके बनाते हैं और इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैंने इसमें सिर्फ मिर्ची में जितनी लग सके उतना नमक डाला है, तो 1 नॉर्मल चम्मच से 1 टेबलस्पून नमक इसमें मैंने डाला है। अभी आप स्वाद के अनुसार नमक एडजस्ट करें। तो अभी ये हमने इसको पहला जो है बघार लगा करके और इस शिमला को अब हमें कम से कम 60% तक अभी कुक कर लेना है, मतलब आधे आधे के आसपास कुछ पकनी चाहिए, पूरा नहीं पकानी है अभी ये। तो इस तरह से हमें इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है, क्योंकि शिमला मिर्ची में बहुत पानी होता है इसीलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमने नमक डाल दिया है तो इससे ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो अभी इसे हम इस तरह से 2 बार ढक करके 2-2 मिनट के लिए हमने इसे ढका और वापस इसे थोड़ी देर चला लेंगे, क्योंकि नीचे से नहीं तो ये एक जगह से लगने लग जाएगी। अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने उसको काट करके देखा, ये थोड़ी पक चुकी है आधी। अब हम इसमें बीच में जगह करके और जो पोर्शन में तेल गर्म होता है ज़्यादा, वहाँ पे 2 चम्मच भर के बेसन और 2 चम्मच भर के आटा। आप चाहे तो सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं पूरा, पर आटा भी मिक्स करने से काफ़ी हेल्दी होता है ये। और साथ में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर भी डाल रहे हैं, मैंगो पाउडर, क्योंकि एक ये हमने जो बेसन और आटा लिया है उसको एक अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। अब हमें ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। एक ध्यान रखना है कि कैप्सिकम की सब्जी में, इस वाली सब्जी में तिल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हमें जो बेसन और आटा है उसे कुक होने देने के लिए थोड़ा सा तेल अच्छा सा रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सब्जी बहुत ड्राई ड्राई लगेगी। तो इस तरह से अच्छे से पूरा हमें मिक्स करना है इसको, बेसन और आटे को, और अब हम इसे वापस थोड़ी देर के लिए ढकेंगे। अब हमें थोड़ा सा नमक और डालना है, जो हमने आटा डाला है बेसन और आटा उसको एडजस्ट करने के लिए। पर ओवरऑल नमक का आप ध्यान रखें कि 2 बार डाला है तो कितना टोटल जितना लगेगा सब्जी में उतना उस हिसाब से ही डालेंगे। और अब देखिए एक बार वापस 2 मिनट का स्टीम लिया, ये हमारे आटा और बेसन अच्छी तरह से पक चुका है और सब्जी जो हमने थोड़ी कम पकाई थी बची हुई भी पूरी पक गई। तो अब आप इस सब्जी का मज़ा लीजिए, रोटी के साथ, चावल के साथ, कैसे भी खा करके बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड वेलकम।